नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रज कुमार यदुवंशी, आपकी अपनी क्लास बेसिक मैथ में। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आज से आने लगेगी। बिना क्लास को स्किप किए हुए पूरा देखना गारंटी हमारी होगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलिए, उसके पहले आपके लिए कुछ स्पेशल। यू कैन नॉट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। कुछ समझ में आया? आपका आने वाला कल जो है बेहतर नहीं हो सकता है अगर आप अपने बीते हुए कल के बारे में ही सोचते रहोगे तो। कि भाई कल तो मैं बहुत खुश था, उससे मिला, पिछली साल तो आज के दिन मैंने ये चीज़ हासिल किया था, उसके 10 साल पहले हमें ये मिला था। ये मत सोचो, ये सोचो अगले साल हम क्या करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना? चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हिंदी में विभाज्यता नियम कहा जाता है। साथियों, विभाज्यता नियम का प्रयोग कहाँ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर अभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, छोटा सा है, नन्ना सा, प्यारा सा, ध्यान से देखना वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखना ऐसे है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर ये पहला दिया गया है और ये कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। देखो, ये ध्यान देना, और जिनके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे होंगे कि इनको हम भाग कर लेंगे फटाफट, तो भाग नहीं करेंगे, बिना भाग करे बताना है। चलो बताओ, इन जो संख्याएं हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इनमें से कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, चलो बताओ फटाफट। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर इसे आप भाग करोगे, एक एक को भाग करोगे तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा और फिर इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। इसी को बिना भाग किए सिर्फ देख करके आपको बताना है, और इसके लिए आपको विभाज्यता नियम लगाना है। बस यही इतना प्रयोग था विभाज्यता नियम का। उसके लिए हमें याद करना है 2 का विभाज्यता नियम क्या है। यदि दी गई संख्या का लास्ट अंक यानी अंतिम डिजिट जो है 02468 में से कोई आता है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी, याद कर लो बस। ठीक, दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 02468 इनमें से कोई भी आता है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे इसमें देखो, लास्ट का डिजिट 1 है, ये नहीं है इसका मतलब विभाज्य। देखो इसमें 4 है, ये है, इसमें 3 है, नहीं है, 7 है, ये नहीं है। यानी कहने का मतलब, इनमें अगर बोला जाए तो 2 से विभाज्य संख्या जो है वो बी वाला होगा सही। ठीक ना, याद रख लेना, लिख लो जिनको लिखना है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8 देन द टोटल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। इंग्लिश में भाई बना के बोल रहा हूँ, हिंदी में शुद्ध भाषा में समझ लो, इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो, जैसे मन आपका वैसे लिख लो। ठीक, तो ये हो गया 2 का विभाज्यता नियम। यदि दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 02468 आता है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके बाद आता है 3 का विभाज्यता नियम। देखो इसे सब लिख लो, काम देगा। अभी आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर मैं ये ना बताऊंगा कि ये विभाज्यता नियम का होता है, इसलिए कान खोल करके दिमाग लगा करके आप लिखते जाओ फटाफट। पहला मैंने लिखवाया आपको 2 का विभाज्यता नियम। क्या लिखवाया? 2 का विभाज्यता नियम, है ना? तो ये आप समझ गए, विभाज्यता नियम। चलो अब अगला, दूसरा, 3 का विभाज्यता नियम। देखिए इसमें आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, छोटा सा रूल है, प्यारा सा। कंपटीशन में आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यदि दी गई संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य है तो ये बताओ कि इस दी गई संख्या में के स्थान पर क्या आएगा। ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, आरआरबी वगैरह में, टेट, सीटेट में भी आए हैं, सुपर टेट में। बताओ चलो, के की जगह पर कौन सा नंबर यहाँ पर पुट करेंगे यदि ये टोटल पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। उसके लिए आपको 3 का विभाज्यता नियम आना चाहिए। अगर आपको आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप अब तक कर लोगे या कर लिए होगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप अभी तक गट्टा जैसे मुँह फैलाए देख रहे होंगे, है ना? तो देखो इधर समझो, पहले 3 का विभाज्यता नियम आता है तो आप कर ले जाओगे। 2 1 3 3 6,
ये होगा ना, देखो एक्चुअली 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है, लिख लो आप सभी। यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। बहुत आसान है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैं अगर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दे दूँ तो यहाँ ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 2 1 है ना, 3 हो गया, 5 8 1 9। अब अगर कहा जाए कि 2151 ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए लंबी भाग वाली प्रक्रिया नहीं करना है, सिर्फ देख करके बता देना है। वो कैसे करना है साथियों, वो ऐसे करना है कि इन सबन को एक को हम जोड़ना है, 2 + 1 + 5 + 1, मतलब ये 2 1 5 1 सबको जोड़ देना है। तो 2 1 3 5 8 1 9 सबको जोड़ने पे 9 आया ना। अगर ये 9 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। तो 9 कट रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब ये भी कट जाएगा। काट लो 3 7 21, ये 3 1 3 3 7 21 717 आएगा। है ना, समझ में आया बात। तो ये था 3 का विभाज्यता नियम, अगर यही नियम आप इसमें लगाओगे तो ये आ जाएगा। चलो देखते हैं, देखो हमें पता है कि हमें इसको जोड़ना है सबको, तो जोड़ लेता हूँ मैं भी। चलो अब ये के तो जुड़ेगा नहीं किसी में, कि भाई जुड़ जाएगा तो 8 हो की जगह 10 हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा। तो 2 को 1 में जोड़ दो, 3, और ये 3 6, यानी कि 6 + k आएगा। तो देखो यार सिंपल सी बात है, k की जगह पर हम क्या रखें कि जो संख्या है वो 3 से कट जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हाँ ये हो सकता है k की जगह पर अगर छोटा से छोटा मान पूछा जाए तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 6 की जगह पर यहाँ 0 रखोगे तो 6 आएगा, तब भी 6 भी जो है 3 से कट जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर 1 रखोगे तो 7 आ जाएगा जो कि नहीं कटेगा, गलत है। 2 रखोगे 8 आ जाएगा, नहीं कटेगा, गलत है। 3 यानी 0 और 3 में से हो सकता है। अगर आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में 0 दिया गया है, तो आप 0 वाला सही करोगे। अगर ऑप्शन में 3 दिया गया है, 1 2 3 5 दिया गया, तो आप 3 वाला सही करोगे, ठीक ना। और हाँ, कहीं ऐसा नहीं होगा कि 0 और 3 दोनों दिया हो, ऐसा बहुत कम ही चांस में होता है। अगर ऐसा होता है तो आप ए और बी दोनों लगाओगे, मतलब दोनों सही है। तो ये हो गया आपका इस तरह से 3 का विभाज्यता नियम, बात समझ गए ना। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो निसंकोच बोलना बिना किसी टेंशन। इसके बाद आपका आता है 4 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। चलो ध्यान देना, जल्दी हेडिंग लिखो और इसको नोट कर लो, परिभाषा जिनको लिखना है। 3 वाले में क्या लिखोगे, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो दी गई पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। हाँ, 4 का विभाज्यता नियम, ध्यान दो, 4 का विभाज्यता नियम। चलो लिखो, देखो 3 का विभाज्यता नियम पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लो। 4 का क्या होता है साथियों, यदि दी गई संख्या का लास्ट से 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर देख लो, 4 का विभाज्यता नियम में जैसे मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर 2948 21, दूसरा मैंने लिखा 4814325, तीसरा मैंने लिखा 1 2 3 5 4 8, और चौथा मैंने लिखा 1 1 5 3 2 1 7। 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि दी गई संख्या में दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आने पर, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनने पर, लास्ट के जो 2 अंक हैं उनसे बनने वाली संख्या, ये 21, इसमें 25, इसमें 48, इसमें 17, अगर ये संख्या 4 से पूरी तरह से कट रही है तो इसका मतलब ये पूरी दी गई संख्या 4 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। तो ये होता है 4 का विभाज्यता नियम, लिख लो। यदि दी गई संख्या का लास्ट का 2 अंक मिला करके बनने वाली संख्या, यानी कि इसमें जैसे है 48, ये 4 से पूरी तरह से कट जाए तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, वो 4 से कटेगी अन्यथा नहीं कटेगी। तो लगा लो रूल, हो गया। इसके बाद बहुत आसान है अगला, का कहा जाता है इसे 5 का विभाज्यता नियम, लिख लो। अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर अटकोगे इसी में, फिर मत शर्माना कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। जिनको विभाज्यता नियम नहीं आता है, अभी आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो मुंह फैला के देखेंगे, उनको कुछ ना आएगा, याद रखना।
इसलिए इसे लिख लो, समझ लो। अभी इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे, ये मत सोचना कि बस ऐसे हुआ हुआ बता दे रहे हैं, हो गया। पांच का विभाजित नियम क्या होगा, ध्यान देना। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक, बहुत आसान है ये, अंतिम अंक 0 या 5 हो तभी 5 से कटेगी, अन्यथा बाय बाय नहीं कटेगी। मतलब 0 और 5 में से कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो 5 का पहाड़ा पढ़े हो ना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 चौके 20, 25 25, 26 37, 37 35, 38 49, 45 ऐसे पढ़े हो ना, दामा 50। तो 5 के पहाड़ा में आप क्या देखते हो, ये देखो 5 10 15 20 25 30 35। इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो लास्ट में या तो 5 आता है या तो 0, या तो 5 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 या तो 0, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, चाहे आप लास्ट तक देखते चले जाओ। तो कहने का मतलब ये है, इसकी परिभाषा आप लिखोगे कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि दी गई संख्या का अंतिम डिजिट 0 या 5 है तब दी गई संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो, इसमें आप लोग इसी दी गई संख्याओं में आप लगा लो लास्ट वाले अंक, ला करके जोड़ लो, मतलब समझ रहे हो ना। देखो ध्यान देना, इधर कैसे करना है। पहला नंबर तो ये कोई भी संख्या 5 से नहीं कटेगी, अभी जितना दिख रही, चाहे आप भाग दे के देख लेना, कट जाएगी तो बताना फोन करके, ठीक। चलो हाँ, इसमें 0 लिख दिया, अभी 5 से कट जाएगी, पक्का कट जाएगी, देख लो भाग करके देख लो। इसमें 5 लिख दिया अभी कट जाएगी, इसमें 0 लिख दिया कट जाएगी, इसमें 5 लिख दिया अभी कट जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये फालतू है बता रहा, कट जाएगी कहाँ कट जा रही। चलो देख लेते हैं, ये 5 से काटोगे 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 तिया 15, इसे काटोगे 5 छंग 30 और ये 5 पचीस, 5 से काट के देख लो 2365 आएगा, जब आप 1,15,325 को 5 से काटोगे, ठीक ना। कोई भी ऐसा करके देख लो यार। चलो इसको भी दिखा देता हूँ, 5 से काट दो 5 पचीस, 4 बचा, ये हो गया 44, 5 अठे 40, ये बचा 4 48 हो गया, 5 9 45, 3 बचा, 5 छंग 30। जब आप 29,480 को काटोगे तो 5,896 आएगा, ये किससे काटने पर, 5 से काटने पर। तो इस तरह से आपने 5 का विभाज्यता नियम देख लिया ना यार। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन हमें आपको पूरा करवाना है, तो क्वेश्चन हम लास्ट में करवाएंगे, इसलिए पहले पूरा विभाज्यता नियम देख लो। हाँ, जिनको बोरिंग लग रहा होगा वो दिमाग में बसा लें कि क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर आधारित, फिर उनको हवा नहीं लगेगी इसमें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको, चेता रहा हूँ कि भाई साहब, बाबू साहब, अंकल अंटी, दादा दादी, सब लोग मिलके पढ़ लो और क्लास को स्किप मत करना। चलो अगला नंबर, 6 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, ध्यान देना। और हाँ एक बात और, अगर आप इस क्लास को डेमो के रूप में कहीं देख रहे हैं यूट्यूब या फेसबुक पर, तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और PVR स्टडी ऐप इंस्टॉल करें, जिससे आप पूरा मैथ सीख सकें शुरू से, क्योंकि ये ऐसे फोकट वाली क्लास यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं उपलब्ध होता है। अगर आपको मैथ सीखना वास्तव में कुछ करना है ना लाइफ में, तो आप PVR स्टडी ऐप में आइए, गारंटी के साथ सिखाएंगे आपको, ठीक ना। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी। 6 का विभाज्यता नियम क्या होता है साथियों, जैसा कि आप जानते हो 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3, यानी कहा यह जा सकता है कि जो 6 है ना, ये 2 और 3 का दादा है या पापा है, ऐसे बोल सकते हो, डैडी है। तो कुल मिला के ये मतलब हुआ कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वो 6 से कटेंगी, बस सीधी सी बात है, ठीक ना। ये इसका रूल में लिख सकते हो आप कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वो 6 से भी पूरी तरह से विभाज्य होंगी। तो 2 का रूल क्या था, 2 का रूल ये था कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, और 3 का रूल ये था कि दी गई संख्याओं को जोड़ने पर का हो, जोड़ने पर क्या हो बताओ, जोड़ने पर दी गई संख्याओं को उनका जो योग आए वो 3 से कट जाए तो 3 से कटेंगी। तो ये दोनों रूल फॉलो होना चाहिए तब 6 वाला होता है। अगर कन्फ्यूजन होगा निसंकोच बताना, हम आपको कुछ और तेल मसाला लगा के बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक ना। वैसे तो हमारी कोशिश है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला आता है 7 का विभाज्यता नियम, ये थोड़ा सा गड़बड़ पड़ता है लेकिन इसको भी हम आपको बताएंगे। 7 का विभाज्यता नियम, ये शायद कक्षा 6 में नहीं है
और आगे क्लास में आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा टफ है हल्का सा, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, एक आता है आठ का विभाज्यता नियम। देखो, आठ का विभाज्यता नियम जो है ये बहुत आसान है। जैसे चार वाला आपने देखा था ना, क्या बताया था मैंने कि यदि दी गई संख्या का लास्ट का जो दो अंक है, लास्ट का दो अंक है, जैसे इसमें 58 हो गया, इसको मिला करके जो संख्या बनेगी, अगर वो चार से पूरी तरह से कटेगी तो दी गई संख्या चार से पूरी तरह से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। आठ वाले में क्या होता है, आठ वाले में साथियों दो की जगह पर तीन अंक पकड़ते हैं, कितना, तीन अंक। यदि दी गई संख्या का लास्ट से तीन अंक चार से पूरी तरह से विभाज्य है, सॉरी, तीन अंक से बनने वाली संख्या, तब वो पूरी संख्या आठ से विभाज्य मानी जाती है, अन्यथा नहीं। जैसे इसमें देखो 958 है लास्ट में, अगर ये 958 आठ से कट जाएगी तो इसका मतलब ये पूरी संख्या, पूरी संख्या क्या है भाई, कितने में जा रही है, सैकड़ा, हजार, 10 हज़ार, लाख, 10 लाख, 24 लाख, 83 हज़ार, 958। अगर 958 आठ से कटेगी तो इसका मतलब ये 24 लाख, 83 हज़ार, 958 भी कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। आठ से काट के देख लो, आठ से काटोगे, आठ एकम आठ, फिर बन जाएगा 15, 8 एकम 8, 7 बचेगा 78, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। तो ये सारा रूल होता है जो आप यहाँ समझ रहे हो। इसके अलावा आता है 10 वाला, सबसे आसान है। 9 के बारे में भी अभी हम बात कर लेंगे। 9 वाला भी वही है जो 3 वाला है। 3 वाले में क्या था, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूरी तरह से कट जाए तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आठ आप देख लिए, नौ वाले में भी वही है। नौ का विभाज्यता नियम क्या लिखोगे, लिख लो, यदि दी गई संख्या का योग 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। 10 वाले में क्या चाहती हूँ, 10 में सिंपल सी बात है, यदि दी गई संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा तभी संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा कभी नहीं कटेगी, बस, ठीक ना, लिख लो। 10 का विभाज्यता नियम में यदि दी गई संख्या का लास्ट डिजिट जो है वो 0 है तभी दी गई संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। अब शुरू होता है असली ट्रेलर, तो ख़त्म हो गया, मूवी शुरू होगी आपकी। तो जिन लोगों ने ट्रेलर देखा था उन्हें समझ में आएगा, और जिन लोगों ने वैसे देखा था मुंह फैला के बैठे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ भग के जा रहा है, तो वो लोग अब तमाशा ही देखते रहेंगे, क्योंकि रूल तो सारा ख़त्म हो गया, अब असली खेल यहाँ से शुरू होगा। यानी कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि इसी विभाज्यता नियम पर आधारित हम आपको दिखाएंगे। अगर आप समझ ले होंगे अभी तक तो करेंगे, नहीं समझ लिए होंगे तो फिर देखेंगे। तो वैसे तो हम अभी अभ्यास प्रश्न आपको करवाएंगे, तब उसमें ज़्यादा अच्छे से आप समझोगे, इसमें कुछ कम मज़ा आएगा, लेकिन हाँ जो लोग पढ़े हैं उनको मज़ा आएगा। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, एक ही पहले देख लिए हो, लिखो, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, चूँकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा सुकुमार बन जा रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा आपसे काम भी करवाना पड़ेगा। आप लोग नोट करो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। यदि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है, यदि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो दिए गए इस अंक में, ध्यान से समझना, ए के स्थान पर कौन सा मान आएगा, ए के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। चलो फटाफट सोच लो, बता दो जल्दी जल्दी, ठीक ना। हाँ जल्दी बताओ, ए के स्थान पर क्या आ सकता है, पहला ऑप्शन है 5 आएगा, दूसरा ऑप्शन है 7 आएगा, तीसरा ऑप्शन 8 आएगा, और चौथा ऑप्शन है 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखो, जिन लोगों ने विभाज्यता नियम समझा है उन्हें आएगा, और जिन लोगों ने नहीं समझा है उन्हें फिर भगवान जाने कब आएगा। चलिए अगला है 4x9721, कुछ लंबा नहीं हो जा रहा का ये, 2 1 3 7 10 9 19, 19 4 कितना होता है, 23, ठीक है। तो इसमें भी वही बताना है, यदि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो x की जगह पर कौन सा मान आएगा, x की जगह पर कौन सा मान आएगा। पहला ऑप्शन है 4 आएगा, दूसरा है 3 आएगा, तीसरा 2 आएगा,
चौथा 0 आएगा। चलो लगे रहो, लगे रहो भाई, लगे रहो, शुरू होते रहो और चलते रहो, बढ़ते रहो। ये कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं जो मैंने लिखा है, ये ऐसे लल्लू पंजू नहीं है। हाँ लेकिन अगर समझे हो तो अच्छी बात है। अभी आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, चूँकि हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं इस वजह से ज़्यादा हाई फाई आपको नहीं बता रहे, नहीं तो बहुत हाई फाई होता है इसमें, हाई फाई होता है बहुत बड़ा बड़ा। नोट कर लो, जल्दी से बताना और फिर क्लास में ज़्यादा नहीं पकाना आपको, बोलते हैं फिर अगली क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे आपका एक्सरसाइज का। हाँ अगर आप इस क्लास को डेमो देख रहे हो कहीं पर भी, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी या प्ले स्टोर पर PVR स्टडी लिख के सर्च करना। स्पेलिंग देखो वहाँ लिखा है ना ऊपर, ये PVR स्टडी मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना अगर पूरी क्लास करना है तो। इतना ही नहीं, आप हमारे किसी भी सदस्यगण से बात भी कर सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन कॉल करके, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में। और अगर आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ से हताश निराश हैं, तो बिल्कुल गारंटी है आपको मैथ आएगी। मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहें PVR स्टडी। जय हिंद। और हाँ चलते चलते एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना होगी कि इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं या Facebook पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ज़रूर दबाएँ। जय हिंद।